हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी पाठशाला एबीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग जा रहे हैं फिजिक्स से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व करना। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उन्हें नोट किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको प्रैक्टिस सेट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज के क्वेश्चन समय को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ई बराबर जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव वी का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा पृष्ठ है जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई बराबर जीरो यानी कि शून्य है, तो विभव वी का दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज जान लीजिए, जहां पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो आपका वैद्युत क्षेत्र है अगर वो शून्य है तो जो आपका विभव होगा यानी कि वी वो आर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो आपका विभव भी होगा वो आर पर निर्भर नहीं करता है। कंडीशन क्या है कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। आप समझ गए होंगे। ऑप्शन देखते हैं अपने। ऑप्शन नंबर ए है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, यानी कि ये गलत हो गया। बी है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हम लोग, वी आर पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर विभव होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक गोला है। ठीक, अब इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट, ठीक है, इसके जो पृष्ठ पर है कहीं भी मान लेते हैं किसी भी स्थान पर, इस पर जो विभव है वो कितना है, 50 वोल्ट। ठीक, तो इसके हमको बताना है केंद्र पर विभव कितना होगा। तो आप जान लीजिए कि किसी भी चालक के भीतर तथा किसी भी चालक के भीतर तथा उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, मतलब कि जितना वैद्युत विभव उसके चालक के भीतर होगा उतना ही उसके पृष्ठ पर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना पृष्ठ पर होगा उतना ही चालक के भीतर होगा। और पृष्ठ पर कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया है, यानी कि अगर पृष्ठ पर है 50 50 वोल्ट तो विभव होगा उसके केंद्र पर 50 वोल्ट। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 10 वोल्ट यानी कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी है 50 वोल्ट यानी कि हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत और ऑप्शन नंबर डी भी गलत। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V है, E तथा V में संबंध होगा। फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है, आपको याद होगा, आपने नोट भी किया होगा। अगर नोट किया है तो आप अपनी नोट्स फिर से उठा के देखिए। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, E बराबर V अपॉन R, क्या बताया था, E बराबर V अपॉन R। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि बी सी और डी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार है, 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात। ठीक है, कह रहा है कि सी तीन धा
तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्या है, सी है, उनको पहले किस क्रम में जोड़ा गया, पहले जोड़ा गया इनको समांतर क्रम में, ठीक है। हम मान लेते हैं इधर बी पॉइंट से कनेक्टेड है और ये ए पॉइंट से, और ये दोनों इनकी धारिता कितनी है, सी है, कैपिटल सी है, और ये समांतर क्रम में, हम लिख लेंगे के समांतर क्रम में। और फिर इन्हीं तीनों को जोड़ा गया किस क्रम में, इन तीनों को जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, ठीक। तो कह रहा है कि जो इसकी तुल्य धारिता होगी उसका अनुपात, देख लीजिए यहां टर्मिनल ए और बी बना लीजिए, ठीक, इसकी तुल्य धारिता का अनुपात और समांतर क्रम में जब जोड़ा गया है उसकी तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। तो पहले समांतर क्रम की निकाल लेते हैं, तुल्य धारिता कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम में, ये होता है सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। हम मान लेते हैं इसको सी डैश, सी वन की वैल्यू सी है, सी टू भी सी है और सी थ्री भी सी, यानी क्या हो जाएगा थ्री सी, सी डैश बराबर क्या हो गया थ्री सी। और यहाँ पे तुल्य धारिता निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं सी डबल डैश, फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन सी बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, यानी कि वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी, यानी कि थ्री बाई सी, यानी कि सी डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा सी बाई थ्री, ठीक है। दोनों चीजें हम जान गए हैं। अब कह रहा है दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात निकालना है, यानी कि सी डैश और सी डबल डैश का अनुपात, यानी कि हम सी डैश से सी डैश को भाग दे दें तो हो जाएगा थ्री सी बटे में सी बाई थ्री, सी से सी कट गया, तीन चला गया ऊपर, यानी कि हो गया नौ बटे में एक, यानी कि अनुपात क्या हो गया, नौ अनुपात में एक, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, वही तीन संधारित्र थे जिनकी धारिता क्या थी, सी थी, पहले किस क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में, फिर किस क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में, फिर उनका हमने अनुपात निकाल लिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं इसका आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिया गया है, यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप लोगों ने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब ही कर दिया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो तुरंत कर दीजिए, इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। चलिए समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा है, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान सी तथा यू के पदों में लिखिए, मतलब हमें संचित ऊर्जा का, संधारित्र की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है। ये भी हमने आपको प्रीवियस सेट में एक क्वेश्चन में बताया था कि जो संधारित्र होगा, संधारित्र की जो संचित स्थितिज, संचित स्थितिज ऊर्जा होगा उसकी वैल्यू यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, क्या होता है यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अगर आपको ना याद हो, आप भूल गए हो, तो इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको फॉर्मूला केवल एक नंबर में ही नहीं पूछा जाएगा, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, ये हमने सॉल्व कराया है ऑलरेडी आपको। चलिए अगर यहाँ पे बात हो जाती आवेश की, तो हम आवेश के पदों में इसे क्या लिखेंगे, यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्या लिखेंगे, यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये क्या है, क्यू है, आवेश है, ठीक है। अगर हमें क्यू का मान निकालने को आ जाए तो ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट टू सी यू। यहां पे हमने क्या जाना है, इसी ऊर्जा का फॉर्मूला किसके पदों में, सी तथा यू के पदों में, यू बराबर क्या है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर क्यू बराबर हो गया रूट टू सी यू, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर छह है, क्या आप एक फैरड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को, ये संधारित्र है, संधारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि अगर आपके पास एक फैरड धारिता का क्या है, एक समांतर
प्लेट संधारित्र है, ठीक। तो क्या उसे आप अलमारी में रख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 1 फैराड वाले संधारित्र जो होगा आपका, 1 फैराड वाला जो संधारित्र होगा, उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल बहुत अधिक होगा। एक प्लेटों का क्षेत्रफल बहुत अधिक होगा, इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है कि उसे अलमारी में रखा जा सके, ठीक, अलमारी में रखा जा सके। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपका 1 फैराड धारिता वाला संधारित्र है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसका क्षेत्रफल इतना अधिक होगा कि उसको अलमारी के क्षेत्रफल से तो वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो अलमारी में उसे रखना संभव है ही नहीं, ठीक। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो आप नॉर्मली भी इसका जवाब दे सकते थे। चलिए, नहीं पढ़ा है तो अब आपने पढ़ लिया है, इस तरह क्वेश्चन हमें गड़बड़ नहीं करने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर के सी नॉट। अगर इसका अर्थ क्या है ये आप समझ लीजिए, इसका सीधा सा अर्थ है कि हम बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, ठीक, परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसकी धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी के गुना। धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता हो जाएगी के गुना। अब यहां पर आपका आंसर क्या हो गया टोटल, कि धारिता हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई है, के गुना बढ़ गई है। समझ रहे हैं ना आप कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, तो उसकी धारिता क्या होगी, के गुना बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई के हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो परावैद्युत पदार्थ के बारे में यहां पूछ रहा है। अब परावैद्युत पदार्थ के बारे में पूछ रहा है तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जड़ता पूर्वक बंधे होते हैं। जड़ता पूर्वक क्या होते हैं? बंधे होते हैं, ठीक। क्या बताएंगे परावैद्युत पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। और उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण हमने याद कराया था आपको, उदाहरण में हो गया आपका रबर, मोम, कांच, अभ्रक, याद है ना, आदि। ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, एक आवेशी संधारित्र एवं एक वैद्युत शेल में मूल अंतर क्या है? एक आवेशी संधारित्र और एक वैद्युत शेल में मूल अंतर क्या है? अगर संधारित्र और वैद्युत शेल में अंतर हमको बताना हो तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि जो संधारित्र होता है इसकी जो धारा होती है, धारा होती है वो धीरे 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 क्षीण होती जाती है। धीरे धीरे क्या होती जाती है? क्षीण होती जाती है, क्षीण होती जाती है। लेकिन अगर वैद्युत सेल की बात हो तो इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है? नियत होती है, ठीक। इससे ली गई धारा क्या होती है? ली गई धारा वो होती है नियत, ली गई धारा नियत होती है। लेकिन इसकी जो धारा होती है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। एक हमें मूल अंतर बताना था
और ये हमारा मूल अंतर है, हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर कह रहा है संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रो फैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अपने चित्र में देखते हैं, पहले तो कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच हमको क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है पहली चीज, और दूसरा क्या है जो ये 4 माइक्रो फैरड का यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ है इसके बीच विभवांतर की गणना करनी। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं। यहां पर अगर हम देखें 3 माइक्रोफेरेट, 3 माइक्रोफेरेट और 3 माइक्रोफेरेट, इनको मिला के एक संधारित्र बनेगा जिसकी तुल्य धारिता हमको निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये 3 माइक्रोफेरेट के जो संधारित्र हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं, 3 माइक्रोफेरेट के ये संधारित्र जो हैं ये आपके जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, इनकी जो तुल्य धारिता होगी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि अगर इसको हम C1 मान ले, इसको हम C2 मान ले और इसको हम C3 मान ले। ठीक, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 9 माइक्रो फैरेड। ये हमने तुल्य धारिता निकाल ली। अब हम यहाँ पर परिपथ अपना बना के तैयार करते हैं। ये बिंदु हो गया ए, ये आगे बढ़ते हैं, 4 माइक्रो फैरेड का लगा हुआ है संधारित्र, फिर ऊपर क्या लगा है 18 माइक्रो फैरेड का, आगे बढ़ते हैं। जब हमने इस 3 माइक्रो फैरेड और इस 3 माइक्रो फैरेड और इस 3 माइक्रो फैरेड को जोड़ के इसकी तुल्य धारिता निकाली तो वो निकल के आई 9 माइक्रो फैरेड। तो इन तीनों जगह पे हमने क्या लगा लिया, एक 9 माइक्रो फैरेड का संधारित्र। नीचे आते हैं, नीचे क्या था 6 माइक्रो फैरेड का, आगे इसको जोड़ देते हैं, आगे क्या है बिंदु बी है। ये हमारा नया परिपथ बन के तैयार हो गया। अब देखिए इस चित्र में आपका ये है 18 माइक्रो फैरेड और ये है 9 माइक्रो फैरेड, ये दोनों संधारित्र किस क्रम में है, तो ये दोनों है श्रेणी क्रम में, तो हम लिखेंगे 18 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड के संधारित्र जो है वो है आपके श्रेणी क्रम में। इसलिए तुल्य धारिता आपकी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं तुल्य धारिता है सी डैश, तो 1/C बराबर 1/, इसको हम मान लेते हैं C4 और इसको मान लेते हैं, अभी हमने निकाला था तो हम इसको मान लेते हैं C5, 1/C4 प्लस 1/C5, यानी कि हो गया 1/18 बटे में 1/9, यानी कि सी डैश का मान कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 6 माइक्रो फैरेड। अब देखिए अपना परिपथ इन दोनों को जब हमने जोड़ा, देखिए आप ठीक से 18 माइक्रो फैरेड और 9 माइक्रो फैरेड को जोड़ के हमने एक तुल्य धारिता निकाली, यानी इन दोनों के स्थान पे हम 6 माइक्रो फैरेड का संधारित्र लगा सकते हैं। चलिए नया परिपथ अपना बना के तैयार करते हैं। हमने कुछ ऐसे खींचा, यहां पर कितना था 4 माइक्रो फैरेड का था, ये बिंदु है ए, आगे बढ़ते हैं क्या था 6 माइक्रो फैरेड मेरा मान आया था, नीचे की तरफ कितना था, तो नीचे था 6 माइक्रो फैरेड और यहां से हमारा था बिंदु बी। अब इस 6 माइक्रो फैरेड और इस 6 माइक्रो फैरेड इनको देखेंगे ये किस क्रम में है, तो हम लिखेंगे 6 माइक्रो फैरेड और 6 माइक्रो फैरेड के जो संधारित्र हैं वो हैं समांतर क्रम में। अब अगर समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, इनकी तुल्य धारिता हम मान लेते हैं सी डबल डैश, फॉर्मूला क्या होता है 1/1/, अब चूंकि समांतर क्रम है इनका, समांतर क्रम है इनका, तो यहां पर 1/1 नहीं होगा, इसको सही करते हैं, ये होगा सी डबल डैश बराबर 6 प्लस 6, यानी कि हो गया 12 माइक्रो फैरेट। नया परिपथ कैसे बनेगा, ये हो गया 4 माइक्रो फैरेट का, ये बिंदु ए है, ठीक, इसकी जगह और इसकी जगह हमने तुल्य धारिता क्या निकाली 12 माइक्रो फैरेड, तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे, हम इलिमिनेट करते जा रहे हैं एक के बाद एक,
बी लिख दिया। अब 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? हम लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड जो है ये आपके हैं श्रेणी क्रम में, यानी फॉर्मूला क्या होगा, 1/C ट्रिपल डैश कर लेते हैं यहाँ पर, 1/4 प्लस 1/12, यानी कि हो गया आपका 4/12, यानी कि सी ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइक्रो फैरेड। ये क्या निकल के आया है, ये इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता कितनी आई है, 3 माइक्रो फैरेड। अब इसमें एक चीज और कह रहा था, 4 माइक्रो फैरेड पर हमें ज्ञात करना था आवेश। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर सी वी होता है, हमने तुल्य धारिता सी ट्रिपल डैश, तो हम इसको ट्रिपल डैश कर लेते हैं, यानी कि हो गया 3। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था ये, तो वो था आपका 2 से, यानी कि हो गया 2×6। मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। अब यहां पर चूंकि यहां पर माइक्रोफैरेड में था, तो ये हो गया आपका माइक्रो कूलाम। ये क्या है, ये आवेश है और किस पर है, इस 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, हमने क्या किया, अपने संधारित्रों को जो इस क्रम में थे वैसे ही हम उनकी तुल्य धारिता निकालते गए और संधारित्र कम करते गए, और अंततः हमने क्या अपना आंसर प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समायोजन की कुल धारिता क्या है। 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समायोजन की कुल धारिता क्या है। यदि समायोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से, संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ठीक, हम बना लेते हैं। कह रहा है कि 3 संधारित्र हैं और किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, टर्मिनल बना लेते हैं। अब कह रहा है 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड ये भी हमने बना लिया। समायोजन की कुल धारिता क्या है, ठीक, हमें धारिता निकालनी है पहले, तो अब यहां पर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हम इसको C1, C2 और C3 मान लें तो हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यानी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 3 पिको फैरेड, यही तो आएगा आपका 3 पिको फैरेड, फैरेड, ठीक। अब यहां पर हमने क्या निकाला है, समायोजन की कुल धारिता। कह रहा है कि अगर समायोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। अब विभवांतर हमको निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV होता है, ठीक। पहले हम यहां पर निकालेंगे, देखेंगे कि इसके प्रत्येक पर आवेश कितना है, तो यहां पर सी का मान कितना आया था, 3 था, कितने वोल्ट से जोड़ा जा रहा है, 120 से, यानी कि आवेश प्रत्येक पे हो जाएगा 360 पिको कूलाम, ठीक, 360 पिको कूलाम कितना हो गया प्रत्येक पर, ये क्या है, आवेश है। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक पर यहां पर विभवांतर, यानी कि आपका हो जाएगा, पहले हम निकाल लेते हैं, 9 पिको फैरेड पर विभवांतर, या फिर C1 पर विभवांतर, हमने चूंकि C1 माना हुआ है तो C1 पर विभवांतर, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर Q/C, तो हम यहां लिख लेंगे Q/C1। Q की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 360, C1 की जगह हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 40 वोल्ट, यानी कि 40 वोल्ट। ये क्या आएगा C1 पे, तो C2 पे भी इतना ही आएगा 40 वोल्ट, क्यों, क्योंकि धारिता तो सबकी सेम है ना, तो C2 पर भी इतना आएगा और C3 पर भी इतना आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, 3 संधारित्र C1 C2 और C3 को 9 पिको फैरेड के हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा 1/C = C1 + C2 + C3। अब हमने मान इनका रख दिया, तो C बराबर कितना आ गया, 3 पिको फैरेड। Q = क्या होता है, CV। हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें प्रत्येक संधारित्र पर क्या चाहिए, आवेश चाहिए। हमने C की वैल्यू रखी और V की वैल्यू रखी,
अगर हमने प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कर लिया है तो विभवांतर भी हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यानी कि ये बिंदु आपका हो गया ए और ये हो गया बी, इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इनके बीच में हमको दिखाई दे रहा है एक 8 माइक्रोफेरेट का एक संधारित्र। तो हम पहले ये देख लें कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये बिंदु सी है और ये डी है। चलिए हम अपना एक परिपथ बना के तैयार करते हैं। एक है ए, एक है बी, बिंदु है सी और बिंदु है डी। ए और सी के बीच में क्या है, तो हम इधर जाते हैं। ए से जब हम बढ़ते हैं सी की तरफ तो हमको मिलता है 3 माइक्रोफेरेट का। तो ए से सी की तरफ गए तो हमको क्या मिला, 3 माइक्रोफेरेट का। फिर आगे देखते हैं, जब हम सी से बी की तरफ जा रहे हैं, सी से हम होते हुए जब हम सी से होते हुए बी की तरफ गए तो हमको कितना मिला, 6 माइक्रोफेरेट का। यानी कि सी से हम बी की तरफ गए तो हमको मिला 6 माइक्रोफेरेट का संधारित्र, कुछ ऐसे। अब क्या पॉइंट बचे हैं, ए और डी, यानी कि ए और डी। ए से डी की तरफ गए तो 3 माइक्रोफेरेट का, ए से डी की तरफ गए तो 3 माइक्रोफेरेट का, और डी से बी की तरफ गए तो जब हम डी से बी की तरफ जा रहे हैं तो 6 माइक्रोफेरेट का। ये हमने कुछ ऐसे बनाया, ठीक। इसको हम इधर लिख लेते हैं, 3 माइक्रोफेरेट, 3 माइक्रोफेरेट। अब यहां पर सी और डी के बीच में देख लेते हैं, सी और डी के बीच में 8 माइक्रोफेरेट। तो सी और डी के बीच में 8 माइक्रोफेरेट। अगर इसको हम मान ले C1, इसको मान ले C2, इसको मान ले C3 और इसको मान ले C4। C4 आपका कितना था, D और B का, D और B का था 6 माइक्रोफेरेट। तो C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4, हम देख रहे हैं क्या है, ये संतुलन की स्थिति में है। और संतुलन की स्थिति में है इसका मतलब है, संतुलन की स्थिति में इसका मतलब है कि इस 8 माइक्रोफेरेट पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। 8 माइक्रोफेरेट पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। अब देखिए, आप अगर 8 माइक्रोफेरेट पे कोई भी आवेश संचित नहीं हो रहा है तो हम अपना देखेंगे इस 3 माइक्रोफेरेट को और 6 माइक्रोफेरेट, यानी कि किसकी बात हो रही, C1 C2 साथ में C3 और C4 को। ये किस क्रम में है, ये आपके हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, फॉर्मूला हमारा होगा 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसको मान लेते हैं C डैश। C1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, C2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यानी कि आपका हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रो फेरेड। अब यहां पर हम निकाल लेंगे इस 3 माइक्रोफेरेड को और इस 6 माइक्रोफेरेड को, यानी कि C3 और C4 को। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C डबल डैश, C3 प्लस 1 अपॉन C4। C3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और C4 की वैल्यू है 6, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/2, यानी कि हम C डबल डैश बराबर क्या लिख लेंगे, 2 माइक्रोफेरेड। ये दोनों चीजें हमने लिख ली हैं। अब देखिए, अब अगर हम बात करें बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, तो एक संधारित्र आपका ऐसा होगा और एक कुछ ऐसा होगा। इनकी धारिता कितनी थी, 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड की, यानी कि ये किस क्रम में है, हम देख रहे हैं 2 माइक्रोफेरेड ये दोनों हैं आपके समांतर क्रम में। और अगर ये आपके समांतर क्रम में है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C डबल डैश। हमने इसको C डैश माना था, इसको C डबल डैश माना था, यानी कि 2 प्लस 2, यानी कि 4 माइक्रो फेरेड। हमने क्या निकाल लिया है, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी आई है निकल के, 4 माइक्रो फेरेड। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, हमें पहले यहां पे एज्यूम करना है कि यहां पर क्या रखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, उसके निरक्षीय स्थिति पर बिंदु पर विभव निकालना है, वो कह रहा शून्य होता है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब हमें बता दीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। हम मान लेते हैं कि ये दोनों 2D दूरी पर स्थित हैं। इनका मध्य बिंदु है O, माइनस क्यू चार्ज जो आपका है B बिंदु पर है और प्लस क्यू है वो A बिंदु पर है। B से O के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी, क्योंकि O जो मध्य बिंदु है, और O से A के बीच की दूरी भी D हो जाएगी। इससे दूर कहीं पर एक है बिंदु P, जिसकी दूरी जो है O से वो है R। ठीक, अब हमें कह रहा है कि इन दोनों आवेशों की वजह से इस पे जो विभव है उनका संयुक्त मान क्या है, शून्य है, यानी कि परिणामी विभव क्या है, शून्य है। हम बी से ए को मिला लेते हैं और ए से पी को मिला लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगी, और पी से ए के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगी। ये आप समझ रहे हैं ना, फिर से आप एक बार देख लीजिए। हमने क्या लिया है, हमने एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी है 2D, एक मध्य बिंदु है O, यानी कि बी ओ के बीच की दूरी D और ओ ए के बीच की दूरी D है। अब यहाँ पर एक बिंदु स्थित है P, P से O के बीच की दूरी है R, तो जो त्रिभुज बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि बी पी की जो दूरी होगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगी। अब हमें विभव निकालना है, परिणामी विभव, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर, यानी कि यहां हो जाएगा वी वन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या था, प्लस क्यू था, तो क्यू हो जाएगा बटे में आर, आर का मतलब बीच की दूरी, यानी कि क्या हो गया, एपी हो गया, और वी वन की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में, एपी का मान हमने कितना निकाला था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको मान लेंगे क्वेश्चन वन। अब यहां पे क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। इसी फॉर्मूले में वी टू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चार्ज है माइनस क्यू तो माइनस क्यू लिख लेंगे, बटे में हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो दूरी है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर टू। अब हमको बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, बिंदु पी पर हमें ज्ञात करना है परिणामी विभव, और परिणामी विभव का मतलब क्या होगा कि जो प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है उसके द्वारा जो विभव बन रहा है उसका योग, यानी कि हम क्या लिखेंगे, परिणामी विभव वी बराबर वी वन प्लस वी टू। वी वन का मान कितना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वी टू का मान कितना है, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए मान समान है, यानी कि ये कट जाएगा और आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमें प्रूफ क्या करना था कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये हमारा आखिरी में क्या हो गया, प्रूफ हो गया, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न चित्र में संधारित्रों के मापक्रम में ए व बी के बीच तुल्य धारिता है 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ए व बी के बीच, देखिए बी और ए के बीच में जो तुल्य धारिता है, मतलब इस पूरे परिपथ की जो धारिता है वो कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड है। संधारित्र सी की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको एक विधि बताई हुई है सॉल्व करने की,
कि हम क्या करेंगे, हम पहले संधारित्रों को देखेंगे कि वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनके क्रम को हम देखते हुए उनकी तुल्य धारिता निकालते जाएंगे और फिर उसकी जगह पे एक नया परिपथ बनाते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं यहां पर इस 6 माइक्रोफैराड को और इस 1 माइक्रोफैराड को, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दोनों जुड़े हुए हैं वो है श्रेणी क्रम में, तो हम लिखेंगे 6 माइक्रोफैराड व 1 माइक्रोफैराड जो आपके संधारित्र हैं ये आपके हैं श्रेणी क्रम में, ठीक। यानी कि इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो होगी 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/1, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 7/6, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा 6/7 माइक्रोफेरेट। अगर हम अपना परिपथ बनाएं इन दोनों की जगह पर, इसकी और इसकी जगह पर 6/7 माइक्रोफेरेट का अगर हम संधारित्र यूज करते हैं तो हमारा परिपथ कैसा होगा। देखिए ये आपका बिंदु A है, आगे बढ़ते हैं, सी संधारित्र मिलता है, फिर आगे 1 माइक्रोफेरेड है, फिर आगे की ओर जाते हैं तो यहां पर है 4 माइक्रोफेरेड। जब इस तरफ आएंगे तो यहां पर क्या हो गया 6/7 माइक्रोफेरेड। इसको हम जोड़ देते हैं यहां से, ये आपका हो गया बिंदु B। अब इधर आते हैं, यहां से नीचे की तरफ है 8 माइक्रोफेरेड और यहां पर है 2 माइक्रोफेरेड, इधर 2 माइक्रोफेरेड के साथ में है 12। इसको ऐसे बनाते हैं। अगर आपने परिपथ बना के तैयार कर लिया है तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत किस पे करनी पड़ेगी, परिपथ बनाने। अब देखिए ये 6/7 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड ये किस क्रम में है, तो इन्हें हम देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में है, तो आगे हम लिखेंगे 6/7 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड जो आपके हैं वो हैं समांतर क्रम में। और अगर ये समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा सी डैश बराबर 6/7 प्लस 4, क्योंकि मान क्या होता है समांतर क्रम का C1 प्लस C2। इसको हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34/7 माइक्रो फैरेट। अब हमारा एक काम और है कि हमें फिर से वही परिपथ बना के तैयार करना है। हम ए बिंदु बनाते हैं, आगे सी, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या किया हुआ है 6/7 और 4 को जोड़ के एक बनाया है 34/7 का, तो 34/7 माइक्रोफेरेट कुछ इस प्रकार होगा, ठीक। इधर बढ़ते हैं जहां बीच में क्या है 1 माइक्रोफेरेट का एक संधारित्र, इसको अभी सही करते हैं, 1 माइक्रोफेरेट का एक संधारित्र यहां पर लगा हुआ है। नीचे की तरफ है 8 माइक्रोफेरेड है, फिर 2 माइक्रोफेरेड है और इसमें एक संधारित्र जुड़ा हुआ है 12 माइक्रोफेरेड का, 12 12 माइक्रोफेरेड का कुछ इस प्रकार। और यहां से आपका क्या है बिंदु B है, ठीक। अब हम देखेंगे कि इस 2 माइक्रोफेरेड को और इस 12 माइक्रोफेरेड को ये किस क्रम में है। हम लिखेंगे 2 माइक्रोफेरेड व 12 माइक्रोफेरेड ये आपके हैं समांतर क्रम में, और अगर ये समांतर क्रम में है तो आपकी तुल्य धारिता कितनी होगी C" बराबर 2 प्लस 12, यानी कि कितनी हो जाएगी 14 माइक्रोफेरेट। अब आपका परिपथ कैसा बन के तैयार होगा, ए या आ गया आपका सी, या आ गया 1 माइक्रोफेरेट, इसके आगे क्या है 34/7 माइक्रोफेरेट, ठीक। यहां से नीचे की तरफ 8 माइक्रोफेरेट और इन दोनों को आपने मिला के बनाया है 14 माइक्रोफेरेट का, कुछ ऐसे। इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, ये आ गया आपका बिंदु B। अब देखिए 8 माइक्रोफेरेट और 14 माइक्रोफेरेट ये किस क्रम में जुड़े हुए, तो 8 और 14 माइक्रोफेरेट जो आपके हैं ये आपके हैं
श्रेणी क्रम में हम लिखेंगे 8 माइक्रोफेरेड व 14 माइक्रोफेरेड, ये है हमारे श्रेणी क्रम में, यानी कि तुल्य धारिता सी ट्रिपल डैश हो जाएगी आपकी 1/C" बराबर 1/8 प्लस 1/14, यानी कि वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 + 4/56, यानी कि होगी 11/56, यानी सी ट्रिपल डैश का मान कितना हो जाएगा 56/11 माइक्रो फैरेड। मतलब इन दोनों को आपने मिला के एक संधारित्र बनाया है तो उसकी तुल्य धारिता कितनी है 56/11 माइक्रो फैरेड। फिर से आपको वही काम करना है, अपना एक नया परिपथ बना के तैयार करना है। हमने यहां बिंदु ए लिया, इससे आगे बढ़ रहे हैं, हमें सी कैपेसिटर मिला था, फिर उसके आगे क्या था 1 माइक्रो फैरेड का, ठीक है, इसके बाद कितना था 34/7 माइक्रो फैरेड का, इधर की ओर आ रहे थे, हमारा मान कितना आया था, वो आया था 56/11 माइक्रो फैरेड, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें यहां पर देखना है कि ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 34 माइक्रोफेरेड किस क्रम में जुड़े हुए। तो हम लिखेंगे 1 माइक्रोफेरेड व 34/7 माइक्रोफेरेड जो है आपका, ये आपके हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/C" बराबर 1/34/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 34 + 7/34 यानी कि 41/34, यानी सी ट्रिपल डैश का मान कितना हो जाएगा 34/41 माइक्रो फैरेड। फिर हमारा वही काम है, परिपथ बनाते हैं, ये सी हो गया, ये हो गया आपका 34/41, नीचे की ओर क्या कनेक्ट था 56/11, और यहां पे आ गया आपका बी बिंदु। अब देखिए 34/41 और 56/11 ये किस क्रम में है, 34/41 व 56/11 ये दोनों जो है वो समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, सी 4 बार डैश लगा लेंगे, ये आपका हो जाएगा 34/41 प्लस 56/11। वैल्यू जब आप जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2296 प्लस 374/451। इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 5.92, इसको हम क्या कह सकते हैं 6 माइक्रो फैरेड, ठीक है, ये कितना लगभग हो जाएगा 6 माइक्रो फैरेड। यानी कि अगर इसमें हम बिंदु ए के बाद सी कैपेसिटर और यहां पर है 6 माइक्रोफेरेड को जोड़ रहे हैं, तो आपको अब आपको यहां पर क्या निकालना है कि इस संधारित्र की धारिता, तुल्य धारिता कितनी दी हुई थी 1 माइक्रोफेरेड दी हुई थी, ये दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 1/1 = 1/C + 1/6, यानी 1/C बराबर 1/1 - 1/6, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5 क्या माइक्रो फैरेड, 6/5 माइक्रो फैरेड। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके तभी संभव हैं जब आप एक नया परिपथ बनाते जाएं, ठीक है, सारे संधारित्रों को जोड़कर एक परिपथ तैयार करें, उसको बनाते जाएं, तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाना संभव है, नहीं तो ये कठिन तो नहीं है, है बहुत आसान, लेकिन आपको इन्हें इसी तरह का एक परिपथ बना के तैयार करना पड़ेगा जिससे आप इन्हें आप आसानी से कर पाए। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है अभी भी क्वेश्चन में या इसके अतिरिक्त किसी क्वेश्चन में, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कीजिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक करिए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और ये आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में दोबारा हमें आके फिर से इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना, आप जितना इनको रिपीट करेंगे आपको क्वेश्चन उतने ज्यादा याद रहेंगे, पेपर में आप गलतियां कम करेंगे, जो भी गलतियां करना है आप यहाँ आके करिए।
ताकि आप जो गलती करें उससे यहां कुछ सीख के पेपर में जाए। बाकी मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू।